दे जाओ ताकि तो यही सांप जिम्मेदार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवध बिहारी और स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल अवध बिहारी में। दोस्तों आज हमारे साथ फिर से आई है शिवानी और आज देखिए आज हम इनको फुल ड्रेसअप करके लाए हैं, पैरों में शूज और पूरा वो अपना ड्रेस कोड लेके। तो हम जानते हैं कि शिवानी हमारे साथ जुड़ के इनको कैसा लग रहा है। तो शिवानी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक एडवेंचर। इस एडवेंचर में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरे को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है आपके साथ काम करके। अच्छा अच्छा, तो आइए मिलाते हैं हम उनसे जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। जानते हैं कि उन्होंने कब और कहाँ पर देखा भी। आपने कॉल किया था मुझे? जी बिल्कुल सर। कहाँ पे सर? हमको यहाँ पे अभी हमारा जो यहाँ पे जो मछली पालन और मुर्गी पालन का काम चलता है। जी जी जी। तो आज हम लोग जब जो सुबह सुबह जो पानी और दाना लगाने के लिए आ रहे थे, अच्छा, तो अचानक से जो है एक सांप दिखा हमको। अच्छा। और सांप का जो है जैसे वो फन का जो आवाज़ था वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, इससे जो है हमको डर लगा। सांप तो ऐसे ही से जगहों पे बहुत सारे देखने को मिलते ही हैं। अच्छा अच्छा। पर स्पेसिफिकली इसलिए जो हमने जो है कॉल किया। ये भैया भी जंतु प्रेमी हैं, इन्होंने भी सांपों को मारना लाजमी नहीं समझा और हमें कॉल करके हमें बुलाया है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने सांप कहाँ पे देखा। बताइए भैया मेरे को कहाँ पे देखा था आपने सांप ने? आइए लोगों को सांपों से और सांपों को लोगों से बचाते हैं और जानते हैं कि भैया ने सांप को कब कहाँ पे देखा था। कब देखे थे भैया सांप को आप? हमने जो है सुबह सुबह हमको यहाँ पे जो मछली को दाना डालने का रहता है। अच्छा। आज जब हम सुबह जो है पहली बार जब दाना डालने आए तब हमको जो यहाँ पे जो है सांप दिखा पहली बार। सुबह कितने बजे आए थे आप? हम तकरीबन जो है सुबह जो है 8 बजे के आसपास यहाँ पे आए थे पहली बार दाना डालने के लिए। देखिए दोस्तों ये भैया का फीस टैंक है। भैया आप फीस पालन का काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो भैया यहाँ पे फीस पालन का फार्मिंग का काम करते हैं और जैसा कि बता रहे हैं सवेरे आज ये जब ये इस फीस का टैंक का पानी चेंज करने आए अपना बोर चालू करके तब इन्होंने इस टैंक में दो सांप देखे। जी हाँ दोस्तों, हमें एक सांप दिखाई दे चुका है जिसकी तलाश कर रहे थे हम, वो हमें दिखाई दे चुका है। शिवानी क्या आप इस सांप को पहचानती हो? हाँ भैया, ये शायद कॉमन करैत है। जी हाँ, वाकई में ये है पूरे एशिया का सबसे खतरनाक और सर्पदंश की जितनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं उनमें 80% यही सांप जिम्मेदार होता है और ये है एक कॉमन करैत। देखिए किस प्रकार ये और काफ़ी एक्टिव और काफ़ी फुर्तीला है। अमूमन दोस्तों देखा गया ये कि कॉमन करैत जो है रात में ही निकलते हैं, पर भैया जैसा कि बता रहे हैं कि हम जब सवेरे यहाँ पे पानी चेंज करने आए तो हमके सांप दिखाई दिया। ये भैया ये सांप जो है ये रातों की ओर निकलते हैं ये लोग। हाँ, इन्हें निशाचर प्राणी भी कहा जाता है क्योंकि रात में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, रात में एक्टिव होते हैं और सवेरे जो है ये धूप निकलने के पहले छुप जाती है ये। आइए आइए दोस्तों हम निकालते हैं इन मेजबानों को यहाँ से। इस प्रकार के सांपों का रेस्क्यू काफ़ी खतरनाक होता है और सावधानी बिल्कुल बरतनी होती है। मतलब ये दोनों पेयर में थे और शायद ये मेटिंग पीरियड में थे और शायद इसी दौरान ये इस फिश के टैंक में गिर चुके हैं। तो आइए इन्हें यहाँ से निकालते हैं। और काफ़ी बिग साइज के ये करैत, वेनमस स्नेक कॉमन करैत, हाई वेनमस सांप, और इस प्रकार का सांपों का यहाँ पर मिलना वाकई में एक
देखिए काफ़ी देर से इस पानी में तैरते तैरते शायद ये थक चुके हैं, तो चलिए इसे हम यहाँ से निकालते हैं। और देखिए दोस्तों, कॉमन करेज जो होता है ब्लैक कलर का, और इसके सर से दो उंगल के बाद ब्लैक ब्लैक धारी और पट्टी, चमकदार पट्टियाँ चालू हो जाती हैं। ये कॉमन करेज की सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए पहले हम इसे पैक करते हैं और दूसरे सांप को भी हम यहाँ से रेस्क्यू करते हैं, निकालते हैं बाहर। शिवानी थैला लेके आओ, चलो बिठाओ। और जब भी सांप को पैक करो तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहो कि सांप अंदर है कि नहीं, और बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम करना होता है हमें, क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक सांप का हमने रेस्क्यू यहाँ पे कर लिया है और दूसरा सांप और है इस कैंप के अंदर, तो आइए इस बेजुबान को भी हम निकालते हैं यहाँ से। अवध भैया, इसमें ये करेक्ट है तो इसमें कौन सा जहर पाया जाता है? इसमें न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है। देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये हमको अपने पीछे पीछे घुमा रहा है इस फिश टैंक की चारों तरफ। और इतनी आसानी से हाथ आने वाला नहीं है ये। और देखिए काफी बिग साइज का, ऐसे कॉमन करेट बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं हमको और आपको। अब जाके शायद ये थका है थोड़ा, तो चलिए इस मौके का फायदा उठाते हैं। और देखिए काफी बिग साइज का ये करैत, दोस्तों देखिए गौर से इसकी बॉडी को, इसके सर के एक फीट दूर से ये इनकी बॉडी पे वाइट पट्टी, इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है, और एकदम काले और चिकने कलर के, एकदम ब्लैक बिल्कुल। और इनका मुंह जो होता है थोड़ा सा तिकोना आकार लिए। और दोस्तों ये एक निशाचर प्राणी होते हैं जो रात को ही निकलना पसंद करते हैं, छोटे मोटे चूहे मेंढक छिपकलियों को खा के अपना पेट भरते हैं ये। और इनमें न्यूरोटॉक्सिक नामक वेनम पाया जाता है जो काफ़ी घातक होता है। ये इंसानों के लिए कैसे घातक होते हैं? जब रात को ये निकलते हैं अपने शिकार के लिए, तो ऐसे में ये इनको इंसानों के पास आसपास रहना बहुत पसंद होता है, और जब इंसान ज़मीन पे सोए हुए होते हैं तो आके उनके पास ये उनके बदन की गर्मी लेने के लिए उनके आसपास चले आते हैं। और ऐसे में जब हमारा हाथ या पांव मूवमेंट करता है, इनके ऊपर जाता है, ये उसे काट लेते हैं। अगर इंसान इनको जागी आंखों से अगर इन काटते देख, इनके जो जहरीले जो दांत होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, एकदम बारीक, जैसे बाकी दांतों के निशान सांपों के निशान पड़ते हैं काटने से, इनके कोई निशान नहीं पड़ता क्योंकि इनके दांत काफ़ी छोटे और महीन होते हैं, बारीक होते हैं। जब ये काटते हैं हमको तो ऐसा लगता है जैसे हमें चींटी या मच्छर काटा हो, और अधिकतर लोग नींद में ही मौत की आगोश में चले जाते हैं। देखकर पता
काफी जहरीला लग रहा है। जी भैया, ये है एक कॉमन करैत और पूरे एशिया का ये सबसे जहरीला और खतरनाक सांप है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नामक विनम पाया जाता है। अच्छा। और इसमें कोबरा से 6 या 7 गुना ज्यादा तेज जहर होता है जो हमारी तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसे काटने के बाद अगर तुरंत सरकारी अस्पताल अगर इंसान ना जाए, उसके डॉक्टरी अगर इलाज ना मिले, तो उसके आधे घंटे या 45 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हो सकती है। ये जैसे अपन मच्छी पालन करते हैं तो इसके लिए अपना इस करते हैं, अपने के लिए ये क्या हानिकारक है कि क्या है? नहीं, ये तो सांप तो ये हानिकारक होते ही हैं ये, लेकिन सारे सांप क्या है हानिकारक नहीं होते, जहरीले नहीं होते। सांपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें कुछ सांप ही जहरीले हैं और उनमें ये सबसे तेज जहर वाला है। जैसे अपन अपना मच्छी पालन करते हैं अपने खेत में बाड़ी में, हाँ, तो उसके लिए अपना मछली का बच्चा खा लेता है क्या? ये छोटे मोटे चूहे मेंढक जैसे कभी नहीं कुछ मिला तो छोटी मोटी मछलियों को भी खा सकता है ये। अच्छा। और अधिकतर ये रात में निकलते हैं। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी रात को अंधेरे में निकलते हैं तो हाथ में टॉर्च रखें, पैर में बूट पहने, और जब अगर सोते हैं आप तो ज़मीन पर ना सोएं बरसात के मौसम में। काटते हैं वैसे तो हमेशा नहीं काटते, तो ये नहीं, काटने का कारण क्या रहता है? देखिए भैया, सांप जब तक आप उनको छेड़ोगे नहीं, कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं काटते। कोई भी कितना भी जहरीला, हाँ, कोई कितना भी जहरीला सांप हो, इंसान का जब गलती से इनके ऊपर पाँव पड़ जाए, हाथ लग जाए, तब ये अपने बचाव में काटते हैं, वरना ये काटते नहीं हैं। और जब सांप जब लोगों को जब सांप बाइट करे या काटे तो उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल जाना चाहिए भैया, कोई झाड़ फूक ओझा जड़ी बूटी के चक्कर में नहीं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। पर जैसे आप ये बता रहे आधा घंटा 45 मिनट, तो हम जैसे इस जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे से तो जो है आधे घंटे 45 मिनट के रस्ते में जो है तो आपके पहला नज़दीकी वो आपके है। आसपास जो भी नज़दीकी अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ आप तुरंत चले जाइए और बिना घबराए, क्योंकि सांपों के काटने से लोगों की मौत बहुत कम होती है, इनकी दहशत से ज़्यादा मौत होती है भैया। अच्छा। इसलिए जब भी सांप काटे तो बिल्कुल एकदम शांत और स्थिर रहें, बिल्कुल घबराए ना, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सरकारी अस्पताल पर जाएं। अच्छा। और चीज़ मैंने ऐसा भी सुना है कि जहाँ पे अगर पता चल जाए कि आपको सांप ने काटा है तो वहाँ से जो है कपड़े से तेज बांध देने से कुछ फ़ायदा होता है कि? जी हाँ, जैसे हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे सांप अगर इंसान को काट लेता है तो वहाँ बिना डरे घबराए, जैसे लोग कई बार बोलते हैं कि भैया जहाँ सांप काट लिया वहाँ से ब्लेड से चीरा लगा दो या मुंह से खून चूसो, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि अगर ब्लेड से चीरा लगाएंगे और खून चूसने की कोशिश करेंगे तो जिसको सांप काटा है वो तो शायद बच जाए, लेकिन अगर जो मुंह से जो इनको जहर चूसने का जो कोशिश करता है, अगर उनके मुँह में कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई घाव हुआ, तो जहर उस माध्यम से उनकी बॉडी में चला जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये सब गलती बिल्कुल ना करें, जहाँ सांप काटे तुरंत वहाँ कपड़े से बांध दें और जितना जल्दी हो सके उतना अस्पताल जाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम इसे पैक करते हैं और देखिए किस प्रकार अभी भी ये अपने गुस्से को थैले पे जाहिर करता हुआ, और इसी प्रकार से जब ये काटते हैं तो कोई निशान नहीं पड़ता। आदमी अगर देख लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अधिकांश लोगों की मृत्यु सोए सोई हो जाती है। और इसका एक नाम और भी है, इसे साइलेंट किलर के नाम जाना जाता है, क्योंकि लोगों को इसके काटने का पता ही नहीं चलता, तो दांत का कोई निशान बनता है ना कोई घाव बनता है। अच्छा। धीरे 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 जब इसका जहर फैलना चालू होता है तो आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है, पेट में तेज मरोड़ और दर्द चालू हो जाता है। अच्छा। तो आदमी को शायद ये लगता है कि शायद मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। तो अमूमन जैसे बोलते हैं कि सांप के एक दांत होता है जिस दांत में जहर भरा हुआ होता है। हाँ जी। तो इसका इस प्रकार का दांत वगैरह का ऐसा नहीं होता है? दांत होता है भैया इसमें भी, लेकिन इनके दांत इतने बारीक होते हैं। अच्छा। कि आपको जैसे काट लिया तो इनके दांत का जो निशान है वो मार्क नहीं पड़ता, और अपने को ऐसा लगता है जैसे कोई चींटी काट लिया, मच्छर काट के अपन खुजा के छोड़ देते हैं, वैसे ही होता है, बहुत बारीक होता है। इसे पहचान कैसे होगा कौन सा सांप निगम है और किसमें नहीं है? वो तो सांपों को देखने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, जैसे बाइट करता है तो अपने निशान पड़ता होगा बॉडी पे, बॉडी निशान के लिए। अगर देखिए आपको जहरीला सांप को अगर कोई काटा है तो उसके दो दांतों के निशान आएंगे। अच्छा। हाँ। और अगर कोई वो नॉन वेनमस जहर वाला बिना जहर वाला सांप काटता है तो उनके पूरे जबड़ों का निशान या खरोच का निशान पूरा पड़ता है इसमें। अच्छा। तो चलिए इसे हम पैक करते हैं
और ले चलते हैं इनको इनके सुरक्षित वातावरण में रिलीज करने के लिए। अभी जो हमने करे सांप का रेस्क्यू किया है उसे ले आए हैं उनके प्राकृतिक रहवास में रिलीज करने, तो आइए हम इसे रिलीज करते हैं। शिवानी थोड़ा सावधानी से क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक और विषैला सांप होता है। ये देखिए बरसात में आप नीचे ना सोए, अगर सोते तो मच्छरदानी का उपयोग ज़रूर करें और उसे चारों कोनों से ढक लीजिए, वरना आपको सांप काट सकता है और आप सांप काटने की वजह से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि आप ज़मीन पे ना सोएं।